तमाम कयास, अटकलें और कहीं ना कहीं सोच विचार के बाद आखिरकार बिग बॉस ओटीटी को अपना पहला विनर मिला। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिव्या अग्रवाल बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन के विनर बनी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्या अग्रवाल की जर्नी जो कि बिग बॉस ओटीटी के घर में रहा है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप लोगों को पता होगा कि जब बिग बॉस ओटीटी का ग्रैंड प्रीमियर हुआ तो वहाँ पर एक थीम रख दिया गया कि सभी लोगों को जो है जोड़ी में रहना होगा, यानी कि कनेक्शन में रहना होगा। लेकिन वहाँ पर हमने क्या देखा कि शुरुआत में ही स्टेज पर ही दिव्या अग्रवाल को कोई कनेक्शन नहीं मिला और वो सोलो प्लेयर के तौर पर जो है घर के अंदर गई, और घर में हर हफ्ते जो है कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा था कि अगर कोई अपना कनेक्शन बदल के दिव्या अग्रवाल के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। लेकिन हमने देखा कि ये सिर्फ एक हफ्ते हुआ जब जीशान बने दिव्या अग्रवाल के कनेक्शन, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, तकरीबन 7-8 दिन के बाद वो कनेक्शन भी टूट गया, क्योंकि जीशान को जो है बिग बॉस ने घर से बेघर कर दिया हिंसा के आरोप में। और उसके बाद एक बार फिर से दिव्या अग्रवाल सोलो प्लेयर हो गई, वो घर में अकेली हो गई। लेकिन जिस तरीके से हम सभी ने देखा कि सोलो प्लेयर होने के बावजूद भी, और जो पहले हफ्ते की संडे के वार हुई थी, जिस तरीके से करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल पर बिना किसी कारण को जो है हमला बोला था, अटैक किया था, टारगेट किया था, और जो बातें दिव्या अग्रवाल ने बोली भी नहीं थी वो बातें भी बोल गए करण जौहर की, दिव्या अग्रवाल ने ये कहा है, जिसके बाद सभी घर वालों ने दिव्या अग्रवाल को साइड कर दिया, आइसोलेट कर दिया, और बिल्कुल कहीं ना कहीं उनसे बातें करना बंद कर दी, उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया, जिसके बाद दिव्या अग्रवाल अकेले हो गई थी घर में। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरीके से अकेले शेरनी की तरीके से वहाँ पर दिव्या अग्रवाल ने गेम को खेला और धीरे धीरे सभी चीज़ को सामने किया, और वो अपने बात पर अड़ी रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, जिस पर बाद में करण जौहर को आकर के सफाई देनी पड़ी कि दिव्या अग्रवाल ने ऐसा बोला नहीं था, मुझे लगा कि दिव्या अग्रवाल ऐसी सोचती है। और करण जौहर ने एक तरीके से अपनी बात को वापस ले लिया। उसके बाद कहीं ना कहीं घर में थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, कुछ दोस्त बने दिव्या अग्रवाल के घर में, जिसमें मिलिन गावा थे, जिसमें अक्षरा सिंह थी, और हम कह सकते हैं कि निशांत भट्ट और राकेश बापट भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई उतना ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं बन पाया कि कभी लड़ाई हो तो उनके लिए खड़ा हो, या फिर दिव्या अग्रवाल कभी टूट जाए तो उनको जो है इमोशनली सपोर्ट दे। लेकिन इस तरीके की दोस्त उनके पास नहीं बने बिग बॉस ओटीटी के घर में, लेकिन उसके बावजूद भी अकेली लड़की सभी को सामना करती रही, जिस तरीके से ग्रुप बना करके लगातार दिव्या अग्रवाल पर जो उनके विरोधी थे वो हमला करते रहे, अटैक करते रहे, लेकिन सभी को दिव्या अग्रवाल ने अकेले ही जवाब दिया, बिना टूटे बिना रुके, एकदम तेज़ी के साथ कह सकते हैं, और करारी रूप से सभी का सामना किया, उनको करारा जवाब दिया उन्हीं के भाषा में। और कहीं ना कहीं उनके लिए जो बिग बॉस ओटीटी की जो जर्नी थी वो बहुत ही कह सकते हैं कि संघर्षपूर्ण रही है। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जो संघर्ष करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है, और आखिरकार दर्शकों का अपार प्यार पाकर, दर्शकों का अपार वोट पाकर के दिव्या अग्रवाल बिग बॉस ओटीटी के सीजन फर्स्ट के विनर बनी। और आप सभी को पता ही होगा कि उनकी जो वोटिंग थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उनके नीचे जो दूसरे नंबर पर थे उनमें और दिव्या अग्रवाल में बहुत बड़ा फासला था, जिसको किसी भी कंपटीटर के लिए जो है भर पाना नामुमकिन था, क्योंकि जो फासला था वो बहुत बड़ा था। दिव्या अग्रवाल को जो सपोर्ट थी जनता की वो बहुत ज़्यादा थी, और कहीं ना कहीं हर कोई दिव्या अग्रवाल का फैन हो गया, क्योंकि जिस तरीके से दिव्या अग्रवाल ने सभी का सामना किया, सोलो प्लेयर के तौर पर खेली, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने गेम को खेला, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, जिस तरीके से उन्होंने टास्क किया, जिस तरीके से उन्होंने लोगों का एंटरटेन किया, उसके कारण से वो सीधे लोगों के दिल में अपना जगह बना पाने में सफल हुई, और आखिरकार सफलता भी दिव्या अग्रवाल के कदम चूमते हुए हम सभी को नजर आए, और वो बन गई बिग बॉस ओटीटी सीजन फर्स्ट की विनर। तो दिव्या अग्रवाल की जो जर्नी रही है बिग बॉस ओटीटी घर में वो शानदार जरूर रही है, लेकिन उतना ही संघर्षपूर्ण भी रहा है, क्योंकि उनके लिए हर कदम पर चुनौती आता गया, लेकिन दिव्या अग्रवाल हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। तो दिव्या अग्रवाल को उनकी जीत पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, और हमेशा वो सफलता पाए, आने वाले भविष्य में वो जो कुछ भी करें उनमें उनको सफलता मिले, यही हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और दिव्या अग्रवाल को जर्नी को आप कैसे देखते हो, बिग बॉस ओटीटी में उनका सफ़र कैसा रहा आपके हिसाब से, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।